फोटो सेशन चल रहा है। यस, हम हमारी स्कूटर ट्रेनिंग के गोल्डन मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं। आइए आप दोनों भी ज्वाइन कीजिए हमें। अरे हाँ। नहीं 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 टप्पू सेठ जी, अगर सेठ जी ने फोटो देख लिए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे डोंट वरी बागा अंकल, टप्पू की मर्जी के बिना ये फोटोज कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि टप्पू ने फोन में पासवर्ड सेट किया है तो उसे टप्पू के अलावा कोई और खोल ही नहीं पाएगा। डोंट वरी। अरे वाह, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, चलिए ना बागी चलते। आइए आइए आइए, लाइए फोन दीजिए। पहले मेरा और बावरी जी का फोटो सेशन खड़ा हो जाए। ओके ओके। वाओ, ये कितनी अच्छी है। आप बहुत क्यूट लग रहे हो बावरी जी। आप भी। थैंक यू। वाह टप्पू सेठ जी, मस्त फोटो खींचे आपने। थैंक यू। लेकिन फोन जरा संभाल के रखना है, सेठ जी के हाथ में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। रख दिया, संभाल कर। हैप्पी? ज्यादा उत्साह में मत आ जाओ टप्पू से ना, अभी ट्रेनिंग बाकी है, अगर पकड़े गए तो सबके उत्साह पे पानी फिर जाएगा। हाँ, नहीं, नहीं, बराबर है। हाँ। चले चले बागा सर, बावरी दीदी, हम लोग ट्रेनिंग चालू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम रिविजन करेंगे। कल जो कुछ भी सिखाया था एक बार याद कर लेते हैं। याद करने की जरूरत नहीं बावरी दीदी, हमें सब कुछ याद है। सब याद है। अच्छा तो फिर ये बताओ, स्कूटर स्टार्ट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। पहला तरीका सेल्फ स्टार्ट, और अगर उससे स्कूटर स्टार्ट ना हो तो दूसरा है किक स्टार्ट। यस, क्या बात है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, और रास्ते में अगर कोई गड्ढा आया या स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक मार के स्पीड कम कर देनी चाहिए। शाबाश, स्कूटर चलाते वक्त नजर रास्ते पर होनी चाहिए। अरे वाह, राइट जाने के लिए राइट और लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर देना चाहिए। शाबाश। और हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, और बिना वजह हॉर्न बजाकर नॉइस पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। और हाँ, नो हॉर्न जोन में तो बिल्कुल भी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। वाह 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 टप्पू सेना, तुम लोगों को तो सब कुछ याद है। अगर तुम आज के दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग अच्छे से स्कूटर चलाना सीख सकते हो। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अभी तो छुप छुप के स्कूटर चलाना सीख रहे हो, बराबर है, लेकिन कभी भी बिना लाइसेंस स्कूटर मत चलाना। ओके बोलो सर। शाबाश। चलो तो ट्रेनिंग की शुरुआत गोगी तुमसे करते हैं। गोगी संभल कर चलाना, सखराम को कुछ होना नहीं चाहिए। ओए टप्पू, फिकर नॉट। चल 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 चल। ऑन गोगी, ऑन गोगी, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है। ऐसे फास्ट एक्सीलेटर दोगे तो देखा कैसा झटका लगा। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मैं जोश में आ गया था। अपने जोश को काबू में रखो गोगी, तुम्हारा जोश हमारे होश उड़ा देगा। आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलो। क्या कर रहे हो, ऐसे zigzag क्यों चला रहे हो, रास्ता पकड़ के चलो, थोड़ा बैलेंस रखो। हाँ, हमारा स्कूटर सांप की तरह रेंगता हुआ जा रहा है। सॉरी सॉरी, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन ये हैंडल मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। अरे गोली, कैसे हैंडल होगा, तुम हैंडल इतना टाइट पकड़ोगे तो हैंडल नहीं होगा बेटा। हाँ। थोड़ा लूज छोड़ दो, स्कूटर चलाना एंजॉय करो, एकदम एंजॉय, आराम से। ओके, ऑल द बेस्ट, चलाओ।
पागल है क्या? इंडिकेटर तो दे। सॉरी यार भाई साहब, सॉरी सॉरी गलती हो गई, सॉरी। क्या कर रहे हैं टप्पू सेठ जी, अगर आपको टर्न लेना है तो पहले राइट इंडिकेटर तो दिखाइए। सॉरी सॉरी बागा सर, वो इंडिकेटर मेरे दिमाग से निकल गया। अरे नहीं नहीं, दिमाग से मत निकालना वरना जान निकल जाएगी। अभी संभालना, याद रखना। चलिए है टप्पू सेठ जी, आपने बहुत मस्त स्कूटर चलाया। थैंक यू। और हाँ टप्पू सेना, आप लोगों को स्कूटर चलाना आप एकदम फर्स्ट क्लास आ गया है, लेकिन सबसे पहले लाइसेंस निकलवाना, उसके बाद ही स्कूटर चलाना। हाँ ओके ओके। थ्री चीयर्स फॉर टप्पू सेना। मन तो कर रहा है आज पूरी रात स्कूटर चलाए, गेटवे ऑफ इंडिया जाए, आइसक्रीम खाए और धूम मचाए। पागला भी करे। अरे नहीं 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 भाई, बहुत देर हो गई है, अपने अपने घर जाओ और जाके सो जाओ, मुझे वापस सुबह दुकान भी जाना है। अरे नहीं नहीं बाग अंकल, अभी तो पेट्रोल भरवाना और किलोमीटर की रीडिंग सेट करना बाकी है। अच्छा हुआ याद दिलाया टप्पू, नहीं तो कल सुबह भिड़े अंकल कोई नया तमाशा क्रिएट करता है। Thank God! आज टायर पर कीचड़ नहीं लगा है। ओह क्या बात है यार। टप्पू सेठ जी एक काम करते हैं, पहले सखाराम में पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद मैं मीटर रीडिंग जितना था उतना कर लूंगा। ठीक है बागंगल, हम तीनों सखाराम में पेट्रोल पंप आते हैं, आप दोनों साइकिल पर आइए। आप तीनों डोंट वरी बागंगल, हम एकदम धीरे से चलाएंगे। हाँ, ठीक है टप्पू सेठ जी, लेकिन जरा संभाल के जाना। हाँ हाँ डोंट वरी डोंट वरी, बैठ जाइए। फ्रेंड्स, जिंदगी की ये पहली स्कूटर राइड अपनी दोस्ती के नाम। टप्पू मर गए, जब बीड़े अंकल को पता चलेगा कि उनके सखाराम का ये हाल हो गया तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ओ ये क्या किया आंटी आपने? मैंने क्या किया? जो भी हुआ है वो तुम लोगों की गलती की वजह से हुआ है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे आंटी आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे,
और ऐसे 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 करके चला रहे थे। आपकी गाड़ी को बचाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, हमारे पास दो गवाह भी है। चलो पुलिस स्टेशन, चलो 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 चलो। पुलिस स्टेशन? मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। हवालात में जाना पड़ेगा। तुम्हारे बगैर मैं हवालात में कैसे रहूंगी? यार तुम दो मिनट चुप रहो। हाँ, मुझे कुछ सोचने दो। ये तीनों है तो बच्चे, लेकिन इनके एटीट्यूड से लगता है कि अगर हमने अपनी गलती मान ली तो ये हमें हवालात पहुंचा कर ही रहेंगे। ओए अंकल, घूर घूर के क्या देख रहे हो? हमारा स्कूटर रिपेयर कराओ या फिर चलो पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मैकेनिक को बुलाकर स्कूटर रिपेयर करा देता हूँ। डार्लिंग, जरा मेरा मोबाइल देना। तो मोबाइल पर्स में और पर्स गाड़ी में। आइए देती हूँ। हाँ ठीक है, अभी हम मोबाइल लेकर आते हैं। यार ये लो तो भाग गए। अब सखराम। अरे यार। अरे बाप रे, भिड़े भाई के स्कूटर की क्या हालत हो गई है। टप्पू अब क्या करें? पुलिस कंप्लेंट। मैंने उनके गड्डी का नंबर देख लिया है। MH02BD0306। चलो पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं, पुलिस में नहीं जा सकते, वरना हम खुद फंस जाएंगे। बागेश्वर जी, इनको पुलिस में जाने से मना कीजिए ना, वरना हमारी शादी जेल में होगी और कैदी हमारे बाहर आती। एक तो टप्पू के पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है और हमने स्कूटर पर भी लर्निंग का एल नहीं लगाया। अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो उल्टा पुलिस हमी को हवालात में डाल देगी। नहीं 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 नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। अब क्या होगा यार? क्या सोचा था और क्या हो गया? ये एक्सीडेंट में तो हमारी गलती भी नहीं थी, ऐसे ही फंस गए। जब भिड़े अंकल को पता चलेगा कि हमारी वजह से उनके प्यारे सकरम की ये हालत हुई है, तो वो हमारी हालत बिगाड़ देंगे यार। अरे आप कहाँ जा रहे हैं बागेश्वर जी? दूसरी नौकरी ढूंढने। पौरी जी, सेठ जी को जब पता चलेगा कि इन लोगों को स्कूटर मैंने सिखाया है, तो मुझे लात मार के नौकरी से निकाल देंगे और टप्पू को तो घर से बाहर निकाल देंगे और मारेंगे वो अलग। दे फटाक, दे फटाक, दे फटाक। गलती करने के बाद ही क्यों समझ में आता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। और हमने एक नहीं तीन तीन गलतियां की हैं। पहले तो हमने अपने घर वालों से झूठ बोला। आज से गांधी ग्राउंड में 3 दिनों के लिए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। वो देखने जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। फिर भिड़े अंकल का सकरम चोरी किया। फिर बिना लाइसेंस के स्कूटर चलाना सीखा। हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि स्कूटर सीखते वक्त हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन हम ये भूल गए थे कि ड्राइविंग में सामने वाले से भी गलती हो सकती है। हो सकती नहीं, हो गई है टप्पू। और इस बार तो इतनी बड़ी गलती हुई है कि टेंशन के मारे मेरी भूख बढ़ नहीं रही है, भूख मर गई है। अब क्या होगा फ्रेंड्स? मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल चलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं बागेश्वर जी, हम ऐसे वक्त में टप्पू सेना को छोड़ के कैसे निकल सकते हैं? नहीं नहीं बावरी जी, मैं टप्पू सेना को नहीं, सखाराम को यहाँ छोड़ के जाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी घर जाके सो जाइए और भूल जाना ऐसा कोई हादसा हुआ था। लेकिन कल सुबह जब भिड़े अंकल को पता चलेगा कि उनका प्यारा सखाराम गायब है, तो आप लोग ऐसे ही बरतना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी सखाराम को यहाँ लाते वक्त सोसाइटी में आपको किसी ने देखा तो है नहीं? नहीं नहीं, बागा अंकल एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग सोसाइटी जाते हैं, घर जाके एकदम चुपचाप सो जाते हैं। हाँ, 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 चलो 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 चलो।
अरे टप्पू सेठ जी, टप्पू सेठ जी क्या हुआ? क्या हुआ टप्पू सेठ जी? क्या हुआ? चलना कर, जल्दी निकलते चलना। बहन से हम ऐसे नहीं जा सकते। हम अपनी एक गलती से भागकर एक और गलती कर रहे हैं। पीड़ अंकल अपने सखाराम से बहुत प्यार करते हैं। हम सखाराम को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे टप्पू, तो तू क्या पीड़ अंकल को सब सच बता देगा? पाओ, इतनी हिम्मत है तुझ में? अरे जब पीड़ अंकल को पता चलेगा कि उनके सखाराम की ये हालत हो गई है तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा, कोई आइडिया है? पता नहीं पीड़ अंकल हमारे साथ क्या करेंगे, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। फ्रेंड्स, हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ेगा। अरे लेकिन टप्पू सेठ जी, कैसे करोगे परिस्थिति का स्वीकार? तू क्या बताएगा उन्हें? कैसे बताएगा टप्पू? हमारी गलती का पलड़ा बहुत भारी है। टप्पू, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पीड़े अंकल हमारी बात नहीं समझेंगे। कैसे समझा पाएगा टप्पू तू उनको? अरे टप्पू कुछ बोल, अरे टप्पू कुछ बोल। क्या करेंगे? बोलिए टप्पू सेठ जी, बोलिए। सच बता देंगे पीड़े अंकल को? नहीं, हमारे पापा को। पापा को? हाँ। नहीं। बच्चे जब गलती करते हैं तब अपने पेरेंट्स को ही बताते हैं ना? हाँ, ये तो सही कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझ में तो पापा को भी बताने की हिम्मत नहीं है यार। नहीं 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 नहीं, मैं तो पापा को बता ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मेरे भी हाथ कांप रहे हैं। पीड़े अंकल के गुस्से से तो हमें हमारे पापा बचा लेंगे, लेकिन हमारे पापा के गुस्से से हमें कौन बचाएगा? बापूजी, बापूजी हमें बचा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बागंकल नहीं। इन दो दिनों में टप्पू ने दादाजी से बहुत झूठ बोला है। टप्पू दादाजी को फेस नहीं कर पाएगा। पोपट भाई, पोपट भाई को फोन करें। नहीं नहीं नहीं, पोपट अंकल नहीं, तो और कौन? पापा। पापा जब परेशान होते तब मेहता अंकल को फोन करते। यस, मेहता अंकल, हम मेहता अंकल को फोन करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ टप्पू सेठ जी, मेहता साहब सेठ जी के फायर ब्रिगेड है, आप जल्दी मेहता साहब को फोन कीजिए। हाँ। वो एक मिनट टप्पू, सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं गोगी, दादाजी कहते हैं झूठ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना इंसान रह पाता है और ना ही सह पाता और ना ही किसी से कुछ कह पाता, बस जिंदगी भर तड़पता रहता है। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, सच। अब हमें सच बोलना ही पड़ेगा। सुनिए तारक, आपका फोन बज रहा है, उठाइए ना। फोन बज रहा है, उठाइए ना। क्या मुसीबत है? इस वक्त टप्पू का फोन? टप्पू गोली गोगी तो क्रिकेट मैच देखने गए थे ना, इस वक्त इसने क्यों फोन किया है? क्या हुआ टप्पू, इतनी रात को तुम फोन कर रहे हो, क्या सब ठीक है ना? नहीं मेहता अंकल, कुछ भी ठीक नहीं है, हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन लेकिन प्लीज आप किसी से कुछ भी मत कहना, अंजलि आंटी से भी नहीं, प्लीज। नहीं 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 टप्पू, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हुआ क्या है बताओ भाई, मुझे चिंता हो रही है। नहीं वो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता, आप बस जल्द से जल्द पापा सोडी अंकल और हाथी अंकल को लेकर पटेल नगर में जो राधेश्याम टी स्टॉल है ना, वहाँ आ जाइए। पटेल नगर राधेश्याम टी स्टॉल? तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग तो मैच देखने गए थे ना गांधी मैदान। प्लीज मैदान कल, आप और कुछ भी मत पूछिए, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। आ जाइए का क्या मतलब टप्पू, इतनी रात को तुम फोन कर रहे हो, तुम जहाँ मैच देखने गए थे वहाँ भी नहीं, किसी और जगह हो, तुम कह रहे हो किसी को बताना भी मत, तो मुझे कितनी चिंता हो रही होगी। अंकल आप चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, हम तीनों सही सलामत है। और हाँ, पापा सोडी अंकल और हाथी अंकल के अलावा ये बात किसी को भी मत बताना, पापा से कहना कि ये बात दादाजी से तो बिल्कुल भी ना कहे। मम्मी। और वो सोडी अंकल और हाथी अंकल से कहना कि वो ये बात रोशन आंटी और कोमल आंटी से बिल्कुल भी ना कहे। ठीक है,
तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ उन लोगों को लेके। ठीक है प्लीज जल्दी आ जाइए। लीजिए बुलावा आ गया मेरे लिए, आधी रात को बुलाया टप्पू सेना ने राधे श्याम टी स्टॉल पे, और कुछ बताया नहीं कि हुआ क्या है, लेकिन आप तो जानती हैं क्या हुआ है। ये दुर्घटनाएं जीवन में अपनी गलती से कम दूसरों की गलती से ज्यादा होती है। बहुत सावधानी से भी अगर आप वाहन चलाएं तो जरूरी नहीं है कि सुरक्षित रहें, सामने वाले की गलती से कुछ भी हो सकता है, और यही हुआ टप्पू सेना के साथ। बेचारे टप्पू, गोली और गोगी बड़ी मस्ती से स्कूटर चला रहे थे, रॉन्ग साइड से कार आई, बहुत कोशिश की इन्होंने बचने की, दुर्घटना को टालने की, लेकिन स्कूटर दुकान से जा टकराया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तीनों बच्चे सही सलामत है, लेकिन सखाराम के तो अस्थि बंजर ढीले हो गए, और इन्होंने मुझे फोन किया है। अब चिंता में है क्या होगा यदि भिड़े को पता चल गया तो, क्या होगा यदि सोसाइटी वालों को पता चल गया तो। भाई अब तक तो मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड था, लेकिन टप्पू सेना ने मुझे आज अपना भी फायर ब्रिगेड बना लिया है, और मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं डॉक्टर हाथी, सोरी और जेठालाल को लेके वहां जाऊं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम वहां पहुंचेंगे तब क्या होगा। भाई जब इन तीनों को अपने बच्चों की कारस्तानी पता चलेगी तो ये तीनों तो बिजली की तरह कड़केंगे। क्या होने वाला आगे, हंगामे बहुत ज्यादा, और मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इस परिस्थिति को टालूंगा, कैसे इस समस्या का हल निकालूंगा, कैसे इन बच्चों को बचाऊंगा, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.